प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे मैं आज की इस वीडियोस में आप लोगों के लिए बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट। यहाँ पे जो है BCCI बोर्ड की तरफ से जो है जारी किया गया है, क्या वो अपडेट है उसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसके लिए आपको जो है हमारे वीडियोस के साथ जो है बने रहना होगा, तभी जो है आपको ये अपडेट पता चल पाएगा। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप उस चीज़ को पाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शंस में आपको यहाँ पे दिखेगा तो मिलेगा ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ PGMSE 2023, है ना, इसके आपका अपडेट जो है यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो है डेट आपको जारी किया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर। चलिए मैं इसको स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है समझ में आ सके कि कब अपडेट जो है दिया गया था, है ना। तो यहाँ पे आप अपडेट देख सकते हैं, ये अपडेट आपका जो है यहाँ पे आपका दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये अपडेट आपका दिया गया है। एक डेट एक्सटेंड किया गया था चॉइस फिलिंग और आपका रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा इस वाले ऑप्शंस पे, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। जैसे ही फर्स्ट नंबर पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है एक अलग तरीके का नया पेज खुलेगा, आपको जस्ट वेट करना होगा कुछ देर और आपके सामने इस तरीके का पेज खुलकर आ जाएगा। इस तरीके का जैसे ही पेज आपका खुलकर आएगा आपको जो है आगे के ऑप्शंस में क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप आइएगा तो आपको ऑप्शंस मिलेगा यहाँ पे PGMSE के लिए, उसको जो है आपको सिलेक्ट करना होगा। हाँ, ये तीसरा नंबर पे आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, थर्ड नंबर पे था, हाँ ये थर्ड नंबर पे ये ऑप्शंस है, ठीक है, उसको जो है आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है एक अलग पेज जो है आपका यहाँ पे ओपन होगा। जस्ट फॉर सेकेंड आपको जो है वेट करना होगा, डिपेंडिंग ऑन योर नेटवर्क कनेक्शंस, आपके पास जो नेटवर्क कनेक्शंस है वो कैसा है उसके ऊपर जो है डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे खुलने के बाद आपको जो है यहाँ पे सारी डिटेल्स शेयर करना होगा, ठीक है। ये वाला बॉक्स में आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको जो है देना होगा। यहाँ पे ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है PG काउंसलिंग के लिए, यहाँ पे PGMSE जो ID दिया गया था वो ID डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है, सिक्योरिटी पिन ये वाला यहाँ पे जो है डाल देना है, ठीक है। उसके बाद इस साइन इन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, तो नहीं, ये ऑप्शन आपको नहीं करना है। ये कब करना है, जब आप चॉइस फिलिंग कर देंगे और रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है स्क्रॉल करके नीचे आना है और ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शंस है ना, यहाँ पे वो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शंस पे आपको जो है क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है एक अलग और नया पेज खुल जाएगा इस तरीके का। अगेन यहाँ पे जो है आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और अगेन कुछ देर वेट करना होगा। यहाँ पे आपको जो है सारी डिटेल्स आपको फिल कर देनी है इस बॉक्स में,
ठीक है। यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसमें आपको सारी डिटेल्स आपको फिल कर देनी है। जैसे ही सारा डिटेल्स फिल कर देंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जब रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपका यहाँ पे ये होम लिखा हुआ है ना, इसी के साइड में आपको एक ऑप्शंस मिलेगा चॉइस फिलिंग का। क्या मिलेगा? चॉइस फिलिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको जो है अपना कॉलेज ब्रांच कौन सा लेना है वो आप यहाँ पे जो है कर सकते हो। ओके, बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाएगा। ओके, थैंक यू।